चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 15.2 का ही क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, गिवन है डायमीटर, हमें गिवन है दैट मींस क्लास इंटरवल है ना डायमीटर। और क्या गिवन है, नंबर ऑफ सर्कल, हाँ ये फाई है बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या लेंगे।
-8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा माइनस। तो आप हमेशा याद रखो यहां से कोई भी वैल्यू जिसको हम लोग a लिए हैं पिछले वाले में पूरा सॉल्व करके बताया था ना, जिसको हम लोग a लिए हैं उसको आप 0 लो ऊपर में -1 -2 नीचे में 1 ठीक है, ये ज्यादा आसान है। तो उसके बाद क्या करना है हम लोग को fi / yi फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है fi / yi या फिर yi के स्क्वायर कर दो, पहले yi के स्क्वायर कर देते हैं, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे yi स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 0 1 4 yi स्क्वायर कर। अब उसके बाद fi / yi, तो अभी आप लोग क्या करना है कॉपी में टेबल में उधर ही बनाना, मैं इधर लेता हूं ड्रॉप करके ठीक है। ये fi हम लोग को चाहिए ना, ये दोनों वैल्यू आप नोट किए हो ना h एंड a, अब इसके बाद हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं fi into yi b और fi into yi square, ये दो वैल्यू चाहिए ना हमें fi into yi। तो fi into yi कितना आया बताओ, 15 minus 2 minus 15 17 minus 1 minus 17 21 minus 0 0 22 minus 22 into 1 22 और 15 सर fi by yi का क्या निकलता है fi into yi फाइंड कर, तो सर माइनस 30 आता ना, माइनस 30 क्यों yi माइनस 2 हां तो माइनस 2 सॉरी माइनस 30 लिखो माइनस 30 सर हां अब सही है 15 to 17 1 ठीक है। इसका समेशन टाइम करना क्या आएगा 15 22 72 हाँ। और ये माइनस कितना करेंगे 47 72 माइनस 47 15 अब हम लोग f i into y i square time 60 आएगा, 15 4 जा 60 17 0 और 22 1 जा 22 100 25 4 जा 100। आंसर क्या आएगा यहां से, समेशन f i into y i square equal to 7 to 9 199 ना, हाँ 199 ठीक है समय सर। अब हम लोग इसके बाद सब कुछ को फाइंड कर लिए हैं, हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है मीन और स्टैंडर्ड एरर ठीक है, दोनों का फार्मूला लगा देना है एफ आई की वैल्यू 100 सब वैल्यू नोट करके रखना यस सर, सब नोट के लिए गड़बड़ कर गया बना का हो जाएगा। मीन का फार्मूला पहले मीन फाइंड कर लेते हैं, a प्लस समेशन i इक्वल टू 1 टू 5 फाइव टर्म्स है ना यस सर, f i इनटू x i अपॉन y i f i इनटू y i अपॉन समेशन ऑफ समेशन f i i इक्वल टू 1 टू 5 या फिर आप कैपिटल n भी बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट fi into h a की वैल्यू 42.5 प्लस समेशन i fi into y की वैल्यू 25 अपॉन 100 into h so 100 अपॉन 100 1 से 25 काटना है ये लो दूसरा काटना है प्लस 1 कितना आंसर आ गया ना 43.5 इसको जीरो मत बना कर ना कि पूरा कट गया मतलब जीरो वन ना 43.5 ये क्या हो गया मीन हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन नोट कर लो मीन सर हो गया सर मीन 43.5 हां मीन आया 43.5 हां शॉर्टकट मेथड वाई आई लगाया मतलब शॉर्टकट स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या
स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एक्स बाई एन अंडर रूट एन सेक्शन आई इक्वल टू 1 to 5 fi into yi square minus summation I equal to 1 to 5 and 5 fi by yi whole square fi into yi ka whole square whole square x की value 4 n की value 100 ये क्या होगा 100 into fi into yi square 199 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर नहीं h अपॉन n फार्मूला h अपॉन n है जब क्लास इंटरवल दिया होगा उसके लिए क्लास इंटरवल अगर नहीं होता तो 1 अपॉन n लेते और अगर क्लास इंटरवल लिए हैं तो h अपॉन n लेते तो h की वैल्यू 4 है